अगर आप दुगड्डा आए हो तो ये चुना तारा देखा होगा। थैंक यू मम्मा। तेरे लिए भी थैंक यू बेटा। मैंने क्या किया? मैंने तो कुछ किया ही नहीं। आप सभी को नमस्कार, मेरे YouTube चैनल सुजसवाल में। आज पूरे घर में अंधेरा अंधेरा रखा है। अरे बाप रे, छाता गिर गया। टेबल पे कौन सोता था छाता? क्या बात है, सुबह से बारिश हो रही थी। अभी दिन में लंच टाइम में थोड़ी बारिश रुकी है, लेकिन बादल अभी भी लगे हुए हैं। और अभी बन रखा है कड़ी चावल। क्या बात है, बड़े दिनों के बाद मिल रहा है आज कड़ी चावल। आज क्या सोचा आपने कड़ी चावल बनाने का? आज मौसम अच्छा हो रहा। आप ऐसे हाथ क्यों खराब हो रखे? डाउन नींद आ रही थी। खाना खाते नहीं, उसके बाद मम्मी को नींद आने लगाती है। और मैं अभी खाना खाने के बाद जरा घूमने जा रहा हूँ, थोड़ा आगे तक, गुरुद्वार से आगे तक। तो दिखाते हैं कहाँ जा रहा हूँ। एक चीज और है, अभी बताना चाह रहा था मैं। वैसे मैं देखो इन थालियों में खाता हूँ, ये जो है ना कांसे की थाली, इनमें खाता हूँ मैं खाना। लेकिन कड़ी चावल मम्मी पता नहीं क्यों ये स्टील वाली प्लेट में देती है मेरे को। जनता जवाब चाहती है, बोलो। खट्टा नहीं खाते थाली में। कांसे की थाली में क्यों, क्या होता है उससे? पता अगर आप में से किसी को पता है तो प्लीज बता देना। मम्मी मेरे को पकौड़े नहीं पसंद, पकौड़े कम करो। मैंने कहा बारिश हो रही है, आराम से जाना और बोतल ले जा लो घर से ही। पानी की नहीं, कोल्ड ड्रिंक की। अच्छा चल रहा है। पानी वाली जगह में मत जाना। दुगड्डा वाली नदी है तो उसके पास में रिजॉर्ट है, वहीं जाने की सोच रहे हैं। रिजॉर्ट में जाना, पानी में मत जाना। तो मतलब रिजॉर्ट के सामने ही पानी है ना। आप भी चल रहे हो? चल रहे हो तो बताओ। नहीं भाई। चल रहे हो तो बताओ। मैं तो फ्रेंड्स आ गया। क्या बोलो बोलो, तभी कुछ नहीं बोल रही है। जाते दोस्त आ रहे ना आज। पानी का मजा नहीं, बस बारिश आ रही है। हाँ हाँ। यहाँ पे दीदी मिली थी मेरे को, मैं दुगड्डा आ रखा था अभी। आप कहाँ रहते हैं? कोटद्वार। अच्छा कोटद्वार ही रहता हूँ। कॉलोनी आना कभी घूमने के लिए। ठीक है भैया। ठीक है, बाय। तो अभी बारिश का सिलसिला जारी है और हम आ रखे थे अभी हनुमंती साइड अपने दुगड्डा के पास ही। और ये मेरा भाई है। Hello, what's up? Hi, YouTube. ये ऐसे इसलिए बोल रहा है क्योंकि ये विदेश से आ रखा है और पूरा विदेशी है ये, जर्मनी रहता है ये। और वहीं की अभी मैं इससे भाषा ही बुलवाऊंगा, मतलब भाषा नहीं, सॉरी एक्सेंट, वहाँ का जो एक्सेंट होता है ना। पर उससे पहले हम एक रिजॉर्ट में आ रखे थे तो वहाँ जरा अंकल से मिलते हैं। यहाँ पे कहाँ गए अंकल? नमस्ते अंकल जी। अरे अंकल जी नमस्ते। थोड़ा नदी तक, ये जैसे ऊपर रिजॉर्ट है और यहाँ पीछे नदी है। हमारे विवास साहब को थोड़ा नदी के भी दर्शन कराते हैं, क्योंकि जब पहले गए थे हम वहाँ तो बारिश आ गई थी, पर यहाँ भी हल्की हल्की बारिश है, पर इतनी नहीं है। हम समझ गए आपकी, ज्यादा तेज नहीं होगी बारिश, हल्की हल्की रहेगी। और ये रिजॉर्ट बिल्कुल जो हमारा कोटद्वार है उसके आगे दुगड्डा है, दुगड्डा के बिल्कुल पास में है रिजॉर्ट। बहुत ही अच्छा रिजॉर्ट है, अगर कभी भी आपको आना हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने सारा डिटेल डाल दिया होगा, देख लेना एक बार। और आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाएगा यहाँ पे। और मैंने बहुत पहले यहाँ पे अपनी फैमिली के साथ आके भी एक व्लॉग बनाया था, तो वहाँ पे तो मैंने पूरा रिजॉर्ट अच्छे से दिखाया था और सारा जो प्राइस है और क्या क्या चीज़ें इस रिजॉर्ट में सब दिखाई थी। तो अगर आपको आना है यहाँ पे तो वाला व्लॉग जरूर देखना, ऊपर आई बटन में आ रहा होगा। तो अभी बढ़िया रिवर व्यू का मजा लेते हुए हम लोग रिजॉर्ट से आ चुके हैं, क्योंकि अब घर भी जाना है और भाई को एक पार्टी में जाना है, इसलिए हमें जल्दी निकलना पड़ रहा है। वरना आज हमारा यहीं पे ही नाइट स्टे का प्लान था, पर आएंगे अभी कुछ दिन में, जल्दी आएंगे यहाँ पे। और जिस रिजॉर्ट में भी हम गए थे उसका नाम है हनुमंती रिवर व्यू रिजॉर्ट, तो बहुत जल्द आपको यहाँ का ब्लॉग देखने को मिलेगा। कहाँ चलना है फिर? अब घर। घर ही चलना है? वहाँ व्यू देखोगे तो प्यारा रखा है। घर ही चलना है? अभी हम दुगड्डा में रुके हुए थे, जो दुगड्डा का फेमस जगह है चुनाधारा। अगर आप दुगड्डा आए हो तो ये चुनाधारा देखा होगा आपने, यहाँ से सब पानी भरते हैं, बढ़िया यहाँ से धारा आती है ऊपर से। तो वहीं पे ये भुट्टे वाले भैया हैं, कर दो भैया गरम गरम बढ़िया। अच्छा आपने जाली वाला सिस्टम कर रखा है, बढ़िया। तीन चार सब जाएंगे, ये बढ़िया है। यहाँ से एक बार आपको व्यू दिखा देते हैं। यहाँ पे दो नदियों का यहाँ संगम होता है, उधर होता है कहीं संगम, लंगूर घाट और सिल घाट। और ये आगे जाके कोटद्वार में बनती है खो नदी, तो बहुत बढ़िया व्यू है यहाँ पे। और मौसम देखो है भाई विदेशी बाबू, मजा आ रहा होगा ना यहाँ तो।
कितने साल बाद आया भाई? ढाई ढाई साल बाद, बताओ। अच्छा अपनी एक्सेंट तो सुना था एक बार, जर्मन में जैसे बोलते होंगे वो थोड़ा। क्या बोल रहे होता? इंग्लिश में जैसे तेरे को भुट्टा मांगना है तो तू कैसे मांगेगा? गार्निश हब आइल भुट्टा। जर्मनी वाली लैंग्वेज बोल रहे है ना? नहीं नहीं मैं बोल रहा हूँ अब भुट्टे को मैं नहीं नहीं भुट्टा नहीं बोल रहा हूँ, इंग्लिश वाली एक्सेंट बोल रहा हूँ। जैसे इंग्लिश में बोल रहा है तू पर वहाँ जाके एक्सेंट बदल जाती होगी ना। भैया नींबू डाल दिया बढ़िया, ढाई साल में कैसे आ जाएगी? सही बात है, कम से कम 10 साल रहना पड़ेगा भाई, यानी 10 नहीं तो 5 साल तो रहना पड़ेगा वहाँ वहाँ के एक्सेंट को अपनाने में। ठीक है भाई मिलते हैं फिर, जल्दी मिलते हैं। ओके क्या बन रखा है, क्या बन रखा है? अरे मम्मी का सत्संग, इसे पॉज कर देते थोड़ा। मम्मी ने देखो कितना स्वादिष्ट, आपको देख थोड़ा गर्म है, आपको देख के ही लग रहा होगा कितना सुंदर हो रखा है ये चिली पनीर विद लॉट्स ऑफ अनियन। दो रोटी की भूख थी अब 3 रोटी की हो चुकी है। थैंक यू मम्मा। तेरे लिए भी थैंक यू बेटा। मैंने क्या किया? मैंने तो कुछ किया ही नहीं। तुझे पता है तूने क्या करा? आपके लिए बढ़िया कूलर लगा रखा है, ठंडा नहीं मिल रहा आपको? आपको ठंडा होना चाहिए था अभी। सब तारीफ कर रहे थे, सब तारीफ कर रहे। आंटी कह रही कि ले आना मेरे लिए कूलर। हाँ ठीक है ले आएंगे, पर वो कह रही सितारगंज से, ऑनलाइन नहीं। ऑनलाइन महंगा है ना। मम्मी अपना डिनर दिखाना। सुयश थोड़ा सा दिखा दो, क्या हो गया इसमें शर्माना क्या? दिखाओ तो हल्का सा। खा लिया। खाया कहाँ, अभी तो स्टार्ट हो रहा है। दिखाओ तो दिखाने के और छुपा रहे हो। चलो हो गया। कम से कम 5 नहीं तो 6 है मुझे लग रहा है। खा लो खा लो आराम से। काम के लिए बोला है। कितने? एक। ठीक है एक बोला है इसका मतलब 2। एक बस। दूसरा नहीं ले जाऊं? पक्का? तो अभी नहीं चाहिए भाई। श्योर? ठीक है भाई। कौन कौन सी आइसक्रीम है? पता नहीं मुझे, गेस्ट का तो पता नहीं चल रहा लेकिन हमें तो पता चले कौन कौन सी यूज कर रही है। केसर पिस्ता काजू किशमिश आइसक्रीम, क्या बात है, और सब है मदर डेरी की। अच्छा है मदर डेरी, अच्छी लग रही मदर डेरी की। हाँ अमूल से अच्छी नहीं लगती थी पर अमूल के बाद मेरे को मदर डेरी थोड़ा ठीक लग रहा है। और आप सभी को वेरी गुड मॉर्निंग। आज पता नहीं कि सुबह से सर दर्द हो रहा था हमें। बहाने बहाने नहीं सच में, अच्छी बात है, अच्छी बात है। नौटंकी सीख लीजिए। कैसा हो रहा? बढ़िया। कैसा आंटी? बढ़िया। चलो खा लो मम्मी, आप भी खा लो आराम से। और कल मैं जिस अपने विदेशी दोस्त से मिला था उसने मुझे लास्ट में एक प्रेजेंट दिया था, खोलने का मौका देते। ये नाम भी पता नहीं क्या लिखा है इसमें, मैं पढ़ के सुनाता हूँ आपको, बहुत लंबा नाम है। जर तस चर मील जेंडे कुगेल, पता नहीं क्या लिखा हुआ। यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये लिखा हुआ है पूरा का पूरा नाम। अच्छा ये तो गल भी गई है। और भाई ये क्या निकल गई, बाहर निकल गई हमें, कोई गल गई है। हाँ कोई इनमें से एक दो गल गई शायद। बिस्तर में डाल रहा। चींटे बहुत है मेरे बिस्तर में, मैंने चींटे को एज अ पेट रखा हुआ है, आती है खेलती है मेरे ऊपर चढ़ती है, कोई दिक्कत नहीं होती। वाओ टेस्टी स्वाद है। तो हमारे विवास भाई को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इतनी स्वादिष्ट चॉकलेट दिया, स्ट्रेट फ्रॉम जर्मनी, वहाँ की सिटी का मुझे नाम पता नहीं कहाँ रहता है वो। ये दुबई वाली चॉकलेट से बेटर लग रही है मुझे, पता नहीं क्यों, अच्छी हो रही है, टेस्ट अलग है ना थोड़ा। और अभी एक दो दिन से लगातार बारिश चल रही है तो कहीं घूमने भी ढंग से जा नहीं पा रहे हैं। और जरा से 2 दिन बारिश हुई नहीं, हमारा जो कोटद्वार से दुगड्डा के बीच में रास्ता है वहाँ पे लैंड स्लाइड आने लग गई, मतलब ऊपर से पहाड़ गिरने लग गया। और एक न्यूज और सुनी है मैंने, श्रीनगर से रुद्रप्रयाग जब आप जा रहे हो वहाँ पे जो चौड़े चौड़े हाईवे बने हुए हैं सारे ढह गया, बीच में कहीं एक पोर्शन है पूरा ढह गया, रोड बंद। तो अभी तो बारिश शुरू ही हुई है, अभी तो 2-3 दिन की बारिश हुई है और ऐसा हाल हो गया। तो पता नहीं हम ट्रैवलर्स कैसे घूम पाएंगे, अब समझ में नहीं आ रहा, पर चलो कोई बात नहीं, सह लेंगे, कहीं ना कहीं तो कोई बढ़िया जगह दिखाने की कोशिश करेंगे। तभी फिलहाल इस लोगों में समाप्त करते हैं। अगर आपको अच्छा लगा अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कर देना वीडियो को, और अगर आप नए हो चैनल में तो नीचे एक लाल बटन दी सब्सक्राइब का उसे दबा देना, और मेरे यूट्यूब परिवार के सदस्य बन जाना। और अगर ब्लॉग बन भी अच्छा लगा, बहुत ज्यादा अच्छा लगा, तो अपने व्हाट्सएप फैमिली ग्रुप में या फिर फेसबुक में शेयर भी कर देना। तो इसी के साथ आप मिलेंगे आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार। क्या कह रहे हो, कुछ बुला रही है मम्मी? अच्छा बेडशीट नहीं जो दीदी ने दी है? ओह ये ला दिया मैंने पूरी, और हमारे पर्दों के साथ मैच कर रही है, क्या बात है, नाइस, थैंक्स दीदी, बहुत अच्छी लग रही है, थैंक्स दीदी, हाहा।